Hello, welcome, good morning, happy Sunday. मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अली अनवर कुरैशी हेल्थ कंसल्टेंट। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर हमें लूज मोशन हो रहे हैं तो दो तीन दिन से अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए इमीडिएट ट्रीटमेंट। हमें ये सोचना चाहिए कि लूज मोशन में बहुत सारे प्रकार हैं। एक होता है लूज मोशन विद प्लेन लूज मोशन, सिर्फ उसमें स्टूल के फीसिस रहते हैं। एक रहता है लूज मोशन विद सेम, जिसमें कुछ घान रहता है, जिसको हम एमीबियोसिस बोलते हैं, वैसा भी एक लूज मोशन होता है। और बहुत से लूज मोशंस में अलग अलग प्रकार है, कॉलरा है, डिसेंट्री है, एमीबियोसिस है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो है जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम होते हैं। दोस्तों अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तो सब में इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट उसका जो है आपको रिहाइड्रेशन करते रहना चाहिए। जितना पानी शरीर से बाहर जा रहा है उतना पानी का इंटेक आपने करना चाहिए। पानी कौन सा? जिसमें कि सॉल्ट मिला हो, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl, ऐसा जो सॉल्ट है जिसमें हमें जिसे हम बोलते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन जो है कभी कभी हम घर पे भी कुछ सोल्यूशन बना के पी सकते हैं, जैसा कि नमक है तो कुछ मात्रा में नमक डालना चाहिए, उसकी 6 पट मात्रा में शुगर एक गिलास पानी में, अगर पानी को गर्म करके उसमें मिक्स करके उसको मिलाकर उसको थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। इसको भी हम एक रिहाइड्रेशन का सोर्स बना सकते हैं। दूसरा, हम अगर आपको लूज मोशन है ज़्यादा, एक दिन से या दो दिन से लूज मोशन है तो रिहाइड्रेशन कीजिए और लोप्रामाइड नाम की टैबलेट आप ले सकते हैं, एंडियल जिसको हम बोलते हैं, ब्रांड नेम है लोप्रामाइड, आप ले सकते हैं। उसके साथ अगर पेट में दर्द है आपके तो साइक्लोपाम लीजिए, डाइसाइक्लोमिन और पैरास्टामोल है उसमें, दिन में दो बार हुआ, एंडियल भी लीजिए, ORS लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा फ्लोरा डिस्टर्ब है आपका, पेट में बार बार एमीबियोसिस हो रहा है या फिर क्या बोलते हैं डिसेंट्री है, डायरिया है, तो उसमें आपको लैक्टिक एसिड बैसिलस लेना चाहिए, जैसे कि बहुत से कैप्सूल, बहुत से जो है मार्केट में प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, न्यूट्रिलिन भी है, कैप्सूल भी है, प्रोबायोटिक क्या स्पोरोलैक कैप स्पोरोलैक सैचेट है, ऐसे बहुत सी चीज़ें आप लेकर आपका जो है डायरिया पे कंट्रोल ला सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा डायरिया आपको है, अगर उसमें शेम है तो दो तीन दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाइए और वहाँ पे जो है डॉक्टर आपको टोटल ट्रीटमेंट देगा और इस प्रकार से हम डायरिया को कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर नॉमिनल डायरिया है तो उसको एंडियल और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन और पेट में दर्द साइक्लोपाम, ये 3 चीज़ें मिनिमम आपने घर पे करना चाहिए। इससे जो है आपको बहुत सारा फ़र्क होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।